Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. I hope ke aap sab khairiyat se honge. Aaj main banaungi chicken seekh kebab jo ki bahut hi aasan aur simple recipe hai. Aap ise tea time ya kabhi mehman ghar aa jaye to jhatpat se is starter ko bana lijiyega. To chaliye ise banate hain. मैंने 800 ग्राम्स बोनलेस चिकन को अच्छे से क्लीन कर लिया है. अब मैं इसको दरदरा सा पीस लूंगी बाकी चीजों के साथ, जैसे कि गार्लिक क्लव्स 10 टू 15 पीसेस, सॉल्ट 1 टीस्पून और जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून. पिसे हुए मिक्सर को हम एक बड़े से मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और चिकन का मैरिनेशन करते हैं. इसमें मैं ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज ऑनियन चॉप करे हुए. आप ऑनियन के पानी को हाथ से ही स्विस कर लीजिएगा या तो मसलिन क्लॉथ से. फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस, 10 टू 15 पीसेस चॉप करे हुए ग्रीन चिलीज. फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 हैंडफुल ऑफ चॉप कोरिएंडर लीव्स, 2 हैंडफुल ऑफ चॉप मिंट लीव्स, 1 लेमन जूस स्विस कर लेंगे. आप इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर लीजिए, जैसे कि 1 टीस्पून टर्मरिक, 2 टू 3 टीस्पून रेड चिलीज, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून कोरिएंडर. इस मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा. 2 टू 3 पिंच ऑफ रेड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो. हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेने हैं. दूसरी तरफ हम प्लेट और स्कीवर्स को ऑयलिंग कर लेते हैं, और या तो वुडन स्टिक थिक वाली जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लीजिए. और अब हम कबाब के शेप बना लेते हैं. कबाब के साइज आप अपने लिहाज से रख लीजिएगा. फ्राइंग पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेते हैं और कबाब को फ्राई कर लेते हैं दो साइड से गोल्डन ब्राउन. कबाब हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं. हम इसे निकाल लेंगे और फाइनली हम इसे चारकोल का स्मोक देंगे 2 से 3 सेकंड्स के लिए. सो दैट्स इट, चिकन सीख कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही जूसी एंड माइंड ब्लोइंग थे. आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.